खमागणी, मैं विष्णु लांबा राजस्थान के बीकानेर में है। बीकानेर का ये देशनोक क्षेत्र है। देशनोक का करणी माता मंदिर, ये नेहड़ी जी मंदिर बोलते हैं, ये मूल स्थान माता जी का यहीं पर है। हमारे साथ में उमेश सिंह जी हैं और यहाँ के प्रशासन ने करणी माता देशनोक जो मंदिर ट्रस्ट है, उन्होंने श्री कल्पतरु संस्थान को एक पत्र लिखा, राजस्थान सरकार के वन मंत्री तो भी उस समय लिखा था, तत्कालीन मंत्री को, वन मंत्री जी को, और ये कहा गया था कि यहाँ पर जो करणी माता ने अपने हाथों से खेजड़ी का जो पौधा लगाया था वो सूखता जा रहा है और पूरी तरह सूख चुका है। हर तरफ से सारे रास्ते जब बंद हो गए तो श्री कल्पतरु संस्थान को ऑफिशियली पत्र लिख करके ये कहा गया कि कृपया इसे बचाने में हमारा सहयोग करें। श्री कल्पतरु संस्थान की टीम के साथ आज मैं यहाँ आया हूँ। पौधा हमने देखा है, मातेश्वरी के दर्शन भी हमने किए हैं, एक जो दूसरा मंदिर है वो भी हमने देखा है। करणी माता के हाथों लगा हुआ ये खेजड़ी का वृक्ष कैसे हरा भरा हो सकता है, हमारी शोध टीम इसके ऊपर रिसर्च करेगी, इस वृक्ष को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास करेगी, लेकिन प्रेरणा इस मान की तरफ से ही मिलेगी। अगर माँ करणी चाहेंगी तो निश्चित रूप से ये वृक्ष हरा भी होगा और हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगा। फिलहाल उमेश सिंह जी के साथ हम लोग आइए। उमेश सिंह जी हमें पेड़ दिखा रहे हैं। उमेश सिंह जी, कितना पुराना पेड़ है, कितना पुराना पेड़ है और इसकी क्या 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 मतलब, इसकी 700 साल पुराना पेड़ है। उमेश सिंह जी बता रहे हैं 700 साल पुराना पेड़ है। कितने समय से ये मतलब सूखा हुआ है, काफी समय से सूख चुका है। उमेश सिंह जी बता रहे हैं 700 वर्ष पहले लगाया गया करणी माता के हाथों का ये वृक्ष सूख गया। पूरी सरकारी तंत्र की उदासीनता देख लीजिए, आकर के नहीं देखा गया, सरकार के मंत्री को कहा गया, लेकिन वहां पर भी कहीं न कहीं आपको निराशा देखने को मिली। जहां वन विभाग फेल हो गए, जहां और तंत्र संत्र फेल हो गए, श्री कल्पतरु संस्थान को ये पत्र लिख करके देशनोक करणी माता मंदिर की तरफ से गुहार लगाई गई। मैं, हमारी साथी कार्यकर्ता उमा व्यास जी हमारे साथ हैं श्री कल्पतरु संस्थान में। उमा जी से किस प्रकार से इस वृक्ष को बचाने के संरक्षण होने चाहिए। जी नमस्कार, मैं उमा व्यास, श्री कल्पतरु संस्थान की ओर से यहाँ करणी माता के जो प्राचीन मंदिर माना जाता है नेहड़ी, वहाँ हूँ। और नेहड़ी का अर्थ शायद बिलोने से लिया जाता है कि वो बिनोला करती थी करणी माँ। यहाँ के लिए वहाँ से हमारी संस्था को प्राप्त हुआ था एक लेटर की इसको बचाया जाए। खेजड़ी का वृक्ष सूखने का, खेजड़ी तो वैसे ही आपको पता है कि पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख वृक्ष है और इसको तो क्लाइमेट जो है उसके अकॉर्डिंग ही है, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है और जिस तरह का उष्णकटिबंधीय ये वृक्ष है वैसा है ये, लेकिन फिर भी अगर ये सूख रहा है तो इसके लिए कल्पतरु संस्थान अपनी तरफ से पूरे प्रयास करेगा कि किसी भी तरीके से वापस हरा भरा हो जाए और एक अच्छा संदेश हम अपनी संस्था की ओर से सभी राजस्थान वासियों को, पूरे संपूर्ण इंडिया को दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विष्णु लांबा राजस्थान के बीकानेर में है। बीकानेर का देशनोक करणी माता मंदिर के कारण बड़ा प्रसिद्ध है और यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है खेजड़ी वृक्ष के कारण। खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण में ऐसे लोग लगातार वर्षों से लगे हुए हैं, यहाँ पर आने वालों की सेवा करना, यहाँ का मान मनोहर पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। चूहों के कारण ये मंदिर प्रसिद्ध है, लेकिन खेजड़ी वृक्ष इसलिए चर्चाओं में आ गया कि करणी माता ने अपने हाथ से लगाया और वो धीरे 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 विलुप्त होने के कगार पर चला गया, सूख गया है। श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से हम लोग कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं, ये प्रयास पूर्व में भी किया गया था और हम लगातार के लिए दोबारा फिर हमारे एनजीओ की तरफ से आए हैं। हमें आशा है कि शायद इस दिशा में हमें इस बार कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।